राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे आशय समझे। चाहे जो प्रयत्न कर लो वाणी मन इंद्रियां ये अनादि संस्कार के कारण जन्मांतरीय संस्कारों के कारण जो विषय की ओर निरंतर इनका प्रवाह बना हुआ है उस प्रवाह के कारण ये उससे हटती नहीं है। मन भी जाएगा वाणी भी जाएगी बुद्धि भी जाएगी इंद्रियां भी वहीं जाएंगी और बहुत से साधकों की बड़ी समस्या रहती कहते महाराज क्या करें खूब साधन करते काम नहीं छूटता क्रोध नहीं छूटता लोभ नहीं कुछ नहीं छूट रहा है कोई विकार नहीं छूट रहा है। बहुत से लोग अपनी इंद्रियों को कसते भी हैं। कसना भी चाहिए इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए लेकिन हम केवल इंद्रियों को नियंत्रित करें और अंतःकरण हमारा वैसा न बने तो गीता जी में कहा मिथ्याचार सब उच्यते उसको मिथ्याचार कहा। भीतर भीतर तो विषय का स्मरण हो रहा है बाहर से इंद्रियों को हमने प्रतिबंध लगा दिया। उसका कारण यह है हम सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि जहां से बीमारी लगी है वहां हम चिकित्सा करते ही नहीं। भीतर से हमने विषयाशक्ति बसा रखी है भीतर अपने हृदय में और बाहर से मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर हम नियंत्रण करते हैं कैसे होगा काम। इसका बहुत सरल भाव ये है कि उत्कंठित हृदय से प्रेम पूर्ण हृदय से आप निरंतर भगवान की स्मृति करें स्मरण करें उनके नाम का स्मरण उनके रूप का स्मरण उनकी लीला का स्मरण निरंतर आप करें उससे मन पवित्र होगा। पाप की वृत्ति मलिनता की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है मन के बाद मन बुद्धि के बाद वाणी में आती है और वाणी के बाद फिर क्रिया में आती है। तो जब हम निरंतर प्रेम पूर्ण हृदय से उत्कंठित हृदय से भगवान के पवित्र नाम रूप लीला का स्मरण करेंगे उससे हमारा मन पवित्र हो जाएगा। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाएगी और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाएगी। हृदय में तो बसा रखा है संसार को और बाहर से बात करते हैं भगवान की। अरे पहले हृदय में बसे हुए संसार को उजाड़ो हृदय में भगवान को बसाओ। हृदय में संसार कैसे बसा जैसे हृदय में संसार प्रविष्ट हुआ है ऐसे ही हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे। देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का कुसंग करके बारंबार विषय चर्चा करके सुन के कर्ण मार्ग से हमारे भीतर संसार ने प्रवेश किया है ऐसे ही जो वीतराग महात्मा हैं भगवान के प्रेमी अनुरागी संत हैं उनका संग हम बारंबार करेंगे और उनकी वाणी से बारंबार भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करेंगे तो कर्ण के मार्ग से कथा के रूप में भगवान ही भीतर प्रविष्ट हो जाएंगे और जब भीतर भगवान भर जाएंगे तो भीतर बसा हुआ संसार बाहर हो जाएगा फिर काम बन जाएगा। अपना हृदय अपना
प्राण अपनी चेतना भगवान को सौंप दो। ब्रह्मा जी कहते मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।